रेवाड़ी में एक युवती के साथ बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तस्वीरों में दिख रही ये वही पीड़ित युवती है जिसके साथ रेप किए जाने का आरोप जीजा साले पर लगा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले बिहार के गया से युवती काम की तलाश में दिल्ली आई थी, जहां से राजीव नाम का युवक युवती को नौकरी के नाम पर अपने जीजा के साथ बहला फुसला कर कौसली ले आया, जहाँ दोनों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। बिहार की लड़की काम की तलाश में बता रही है कि मैं दिल्ली आई थी और दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुझे बाहर निकलने के रास्ते का नहीं पता था। ये राजू नाम का कोई लड़का है, वो उसको अपने साथ यहाँ कोसली ले आया और उसने इसको अपने घर में रखा अपनी बहन के पास। वहाँ इसने और इसके जीजा ने, राजू और राजू के जीजा ने इसके साथ रेप। वही पीड़ित युवती ने मौका देखकर 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने वारदात की जगह रेड की, लेकिन पुलिस की रेड से दोनों आरोपी जीजा साले मौके से फरार हो गए। कल इसको उसका राजू का ही फोन मिल गया जिसमें बैलेंस वैलेंस नहीं था, चार्जिंग पे लगा था, तो इसने 100 नंबर पर फोन करा हमारे पास, तो कोसली की पुलिस गई, दो लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है 343, 363, 66, 366। और कितने दिनों से वहाँ पर थे? ये 3 दिन से है वहाँ। 3 दिन से वहाँ पर। तो अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? अब इसका जो रात को मेडिकल करवा दिया था। फिलहाल पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन नौकरी देने के झांसे के बहाने किए गए इस कुकर्म ने इंसानी रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टोटल न्यूज के लिए श्याम बाटला, रेवाड़ी।